हेलो एंड वेलकम टुवर्ड दिस फ्राइडे। नेकलेस को दिल्ली क्राइम रिव्यूअर द्वारा सबसे प्रशंसित शो में से एक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म अब सीजन 2 लेकर आया है। आइए देखिए कैसा है इसका दूसरा सीजन। कहानी कच्चा बनियान गैंग पे बेस्ड है जो कि 1990 में सक्रिय हुआ था और ये गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है दिल्ली में, जो कि कच्चा बनियान गैंग वरिष्ठ नागरिकों की हत्या करता है। इन अपराधों से राष्ट्रीय राजधानी दहशत में है। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी को गैंग को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। कौन है इस गिरोह के सदस्य, क्या वर्तिका और उनकी टीम ने पकड़ पाएगी, पूरा शो इसी प्लॉट पे है। व्हाट इज़ द प्लस पॉइंट, सीजन 2 बहुत ही अच्छी पटकथा के साथ पूरी तरह से इंगेजिंग है। पूरी पुलिस जाँच प्रक्रिया इंटरेस्टिंग है और दर्शकों को ज़्यादातर समय बाधे रखती है। पुलिस अधिकारियों के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मौजूद मुद्दों को अच्छी तरह से प्रकर्षित किया गया है। इस संबंध में कुछ एपिसोड हैं जो सीरीज में पर्याप्त भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। हत्यारों के किरदार अच्छे से लिखे गए हैं जो अंत में खुलते हैं। कुछ सीन दर्शक को जरूर हैरान कर देंगे। पूरी सीरीज में त्रिता को अच्छी तरह से बनाए रखा गया है, जो एक आसान काम नहीं है। शेफाली ने डीसीपी की भूमिका निभाई है। वह बहुत ही सक्षम प्रदर्शन के साथ इस वेब सीरीज देख में प्रदर्शन किया है। उन्हें रचिका दुग्गल और राजेश तेलंग का अच्छा साथ मिला है। माइनस पॉइंट, जैसा कि सीजन 2 एक बेंचमार्क है, उस हिसाब से यह सीरीज थोड़ी सी निराश करती नज़र आती है। हमें हत्याओं के भीषण प्रकृति के बारे में अभी कुछ बताया ही नहीं जाता। अनकुछ तस्वीरों को चित्रित किया जाता है। यही अपराधियों के तौर तरीकों को ठीक से प्रदर्शित किया जाता तो यह ओवरऑल अच्छा प्रभाव डालता। साथ में यह महसूस होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। तकनीकी पहलू से शो सिट्स पर है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है और जो कि थीम सीरीज की थीम के साथ तालमेल बिठाता है। तनुज चोपड़ा का निर्देशन उतना ही अच्छा है और वह अभिनेताओं से टॉप नॉच प्रदर्शन निकलवाने में सफल रहे हैं। निर्णय कुल मिलाकर दिल्ली क्राइम एक अच्छी तरह से बनाई गई क्राइम थ्रिलर है जिसमें बहुत सारे मनोरंजक क्षण हैं। इसमें एक ठोस पटकथा, स्टारकास्ट से शानदार अभिनय, अच्छी भावनात्मक गहराई और बहुत ही रोचक पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रतिक्रिया है, जो एक अच्छे अपराध थ्रिलर के लिए आवश्यक है। दूसरी तरफ यह पहले सीजन जितना शानदार नहीं है, वो थोड़ी जल्दी जल्दी सी चीज़ें होती हैं, फिर भी शो बेहद देखने लायक है।